हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, स्टोरी के बीच में जो शब्द है वो चित्र के माध्यम से उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। शब्द पूरा करने से पूरे वाक्य का मतलब निकलेगा और बहुत सारे वाक्यों से हम ये कहानी रचेंगे। तो शुरू करते हैं, आओ कहानी रचें। तो इसमें क्या लिखा है? बिल्ली और बंदर। तो क्या लिखा है? एक एक गांव में दो बिल्लियां। तो एक गांव में दो बिल्लियां। ऐसे करके आपको लिखना है। बिल्लियां रहती थी, वो आपस में बहुत प्यार से रहती थी और मिल बांट कर खाया करती थी। एक दिन उन्हें एक क्या मिली? चित्र में क्या है? चित्र में रोटी। है रोटी। उसके बाद उसे बराबर बराबर बांटते समय उनमें झगड़ा हो गया, तो उसको वो लोग आधा करना चाहते थे। तो जब आधा करना चाहते थे उसमें से एक में ज्यादा हो जाता था, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हुआ? उन दोनों में झगड़ा हो गया। तो दोनों फैसला करवाने एक किसका चित्र है? बंदर। बंदर। बंदर के पास गई। उसके बाद बिल्लियां। बिल्लियां ने बंदर को सारी बात बताई। तो यहाँ पे चित्र में कौन है? बंदर। बंदर को सारी बात बताई। इसको आप फिलअप करेंगे। बंदर एक, ये क्या है? तराजू। तराजू। तराजू लाया। फिर बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए और और उन्हें उन्हें तराजू तराजू। के दोनों तरफ रख दिया। तो रोटी को जब आधा आधा किया तो तराजू में तोलते हैं वजन, ठीक है। तो आधा आधा करके वो तराजू में रख दिया दोनों तरफ, और तराजू का जो पलड़ा भारी होता उस पलड़े की रोटी तोड़कर खा जाता। मतलब कि जिस तरफ ज्यादा होता था उसी तरफ का रोटी तोड़ के बंदर खा जाता था। पहले बिल्लियों ने आधा नहीं कर पाए, इस चक्कर में उन्होंने झगड़ा किया और तीसरे को उसमें इस्तेमाल किया कि हमारा सहायता करो, लेकिन तीसरा तो उसमें से आधा आधा करके खा रहा है। इस तरह करते करते बंदर पूरी रोटी खा गया और दोनों बिल्लियों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। देखिए कैसे एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। हमने किसी और का सहायता लिया और उसने सारा सारा रोटी खा गया। तो इसमें से हमको शिक्षा क्या मिलती है? आपस की फूट बहुत बुरी होती है, दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपस की फूट मतलब यहाँ पे दोनों बिल्लियाँ थे, दोनों के अंदर एक रोटी को लेके दोनों में झगड़ा हो गई। तो तीसरा यहाँ पे कौन है? बंदर है। बंदर ने उनको सहायता करने का, बिल्लियों ने सोचा कि बंदर उनको सहायता करेगा, लेकिन बंदर ने इस चीज का फायदा उठाया। उसने सारा रोटी उनके सामने ही खा गया। तो कैसा लगा ये स्टोरी? अच्छा है ना? तो अगर इसी तरीके की आपको सीखना है और सुनना है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।